स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो गाइस हम आज अपना YouTube चैनल का नाम चेंज कर रहे हैं Wanderlust for Food से द फूडी शर्मा। तो कैसा लगा आपको नाम हमें कमेंट में बताइए और हमारे वीडियो देखिए। हेलो गाइस, तो आज हम बना रहे हैं अपनी चीज़ मसाला मैगी जो सबको बहुत पसंद है। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें क्या क्या चाहिए आप देख सकते हैं। दो प्याज, फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल्स, चीज़, अमूल बटर, अमूल चीज़, मेयोनीज, मैगी ऑफ कोर्स एंड जान मैगी मसाला। तो गाइस अब हम पहले काट रहे हैं प्याज क्योंकि हमारा वेजिटेबल सारी चॉप्ड है। तो हम प्याज काट रहे हैं। तो गाइस हमने प्याज चॉप कर चुके हैं और हमारी वेजेस भी चॉप्ड है। तो अब हम अपने वेजीज और प्याज को स्टर फ्राई करेंगे, फिर आपको उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस हम इसमें अमूल मक्खन डालेंगे, थोड़ा अच्छा स्वाद आता है बहुत ज़्यादा। दो टिक्की बहुत है इसके लिए। बाकी पहले इसको एक अच्छे से हिला देंगे। गैस का फ्लेम ज़्यादा हाई मत करना क्योंकि हम जो बना रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ है, वो चीज़ मसाला मैगी जिसमें चीज़ बहुत फूट फूट के होगी। तो अब हम डाल देते हैं। पहले हम डाल रहे हैं, मतलब सब मिक्स है इसमें, कैरेट है, कैप्सिकम है, ब्रोकली है, सब है। तो हम मिक्स करके डाल देते हैं इसमें। आपको जितने हिसाब के बनाने उतनी बना सकते हो। मैं अपने मतलब मैं दो जने को बना रहा हूँ, इसलिए इतनी ली है मैंने, इतनी ठीक है। तो हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे देख रहे हैं कि ये हो गया अच्छे से। अब इसे प्याज डालना, तो हमें थोड़ा सा और मक्खन डालना पड़ेगा और इतना डाल सकता कि प्याज भी इसमें अच्छे से फ्राई हो जाए। तो अब एक में पहले इसे नीचे रख देते हैं, ये हो रहा है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। आप इसमें और चीज़ भी डाल सकते हैं, लाइक कॉर्न जन ऑल, मटर भी डाल सकते हैं। तो मटर मुझे इतनी खास लगती नहीं, इसमें डाल पाऊँ। तो जब तक ये हो रहे हैं, इसके साथ हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट ज़्यादा मत डालना क्योंकि मैगी मसाले भी डालना होता है। तो मैं आपको दिखा दूँ कितना सॉल्ट डालना होता है। तो हम लेंगे सिर्फ इतना सा सॉल्ट, इतना सा लेंगे और उसमें अच्छे से हिला के डाल दो बस। और बाकी अच्छे से जब थोड़े से सॉफ्ट और गोल्डन ब्राउन से नहीं आए तब तक मैंने अच्छे से फ्राई करना है। आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं इफ यू वांट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छे से हो चुका है, ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो चुका है। तो हम अब इसके अंदर ही सारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें हम पहले डाल देंगे थोड़ा सा मेयोनीज। मेयोनीज हो गई हमारी। अब इसे अच्छे से हिला लेंगे हम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सब मेयोनीज चल गई है, बढ़िया लग रही है एकदम। तो अब हम इसमें डालेंगे अपनी मैगी। तो ये हमने इतना मैगी मसाला डाल दिया, जितना आपकी मर्जी हो उतना डाल सकते हैं, ऐसी कोई इसमें लिमिट नहीं है ऐसे। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और साथ ही हाथ इसके साथ हम इसके जो मैगी के मिलते हैं हम वो भी डाल देंगे लगे हाथ पे, ताकि अच्छे से पूरा ये बन जाए। अभी पानी में डालना है इसमें, पहले से सब्जियां हो चुकी है हमारी, मसाले अपन घुल जाए, उसके बाद हम हल्का सा पानी में छेड़ा देंगे हम इसको। बढ़िया से डाल दें इसमें। अब आपको इसे फटाफट हिला दीजिए। याद रहे हमने नमक कम डाला था, इसलिए हम इसे मैगी मसाला ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर नमक ज़्यादा डाल दिया और मैगी मसाला ज़्यादा डाल दिया तो बहुत नमकीन हो जाएगा ये, इसलिए ध्यान रखिए। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि नीचे चिपके ना, सारा नीचे चिपका उसको निकाल देना सारा।
जहाँ थोड़ा सा गुस्सा होगा कोई नहीं, सुबह दर्द होगा। जैसे मैंने पानी डाल दिया अच्छे से उसमें, अब जब तक एक उबाला नहीं आता तब तक हम डालेंगे, पर हम इसमें अपने चीज स्लाइस डाल सकते हैं। देखो पीस इसमें डालना है इसके अंदर, ज्यादा मत डालना, एक ही बहुत है। आपको ज्यादा चीज पसंद है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं, वरना वन इज वेरी सफिशिएंट। तो जैसे आप देख सकते हैं कि उबल चुकी है अच्छे से, और जब हमने चीज डाला था वो मेल्ट हो गया। स्मेल्स गुड। सो अब हम इसमें डालेंगे अपनी मैगी। आपको जैसी मर्जी चाहिए वैसे डाल सकते हो, क्रश करके डाल सकते हो, नॉर्मल डाल नॉर्मल डाल लो। मैं इसको ऐसे खोल कर डालता हूँ, तो मैं उसे खोल कर डालूंगा। चाहो तो थोड़ा सा निकाल के खा भी सकते हो। तो अब हमने मैगी डाल दी इसके अंदर, तो अब हम उसे 5 से 10 मिनट का छोड़ सकते हैं ऑन मीडियम फ्लेम। तो आपको मिलते हैं 5-10 मिनट बाद। तो गाइस देखिए हमारी मैगी रेडी हो चुकी है। देखिए सारा पानी हट चुका है यहाँ से, और मैगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो हम इसे फटाफट से प्लेट में डालते हैं। हमारी मैगी रेडी हो चुकी है जैसे आप देख रहे हो। तो कमेंट करके बताओ आपकी कौन सी फेवरेट मैगी है, हमारे तो चीज़ मसाला मैगी है, अपनी बता देना। तो कैसी लगी गाइस आपको वीडियो, अच्छी लगी हमारी चीज़ मसाला मैगी, तो नीचे कमेंट कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन ओके।